नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ आधार कार्ड के कुछ इंफॉर्मेटिव और कुछ जानकारी के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपके आधार कार्ड पर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है दोस्तों, और कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है दोस्तों, ये सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। और ये भी बताऊंगा दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो लिंक कैसे करें दोस्तों, ये भी दोस्तों इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी एक गूगल या किसी भी एक ब्राउज़र पे चले जाना है दोस्तों। मैं गूगल पे चला जाता हूँ, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है दोस्तों वो आपको यहाँ पर टाइप करनी होती है दोस्तों। मैं टाइप कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देख रखी होंगी दोस्तों, जहाँ पर आपको बताते होंगे कि ऑर्डर आधार रिप्रिंट से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है जब आधार कार्ड आप ऑर्डर करते होंगे दोस्तों घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन दोस्तों। वहाँ से तो जैसे ही आप ऑर्डर करते होंगे दोस्तों, तो वहाँ से आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो देते होंगे तो वहाँ से लिंक हो जाता है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ना ही लिंक होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों और लिंक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे लिंक करते हैं दोस्तों मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से दोस्तों। इस वीडियो को फुल कंप्लीट एंड तक देखते रहिए दोस्तों। तो सिंपल से ये जो वेबसाइट होती है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ आधार के ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेज है दोस्तों पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क वीक है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा समय ले रहा है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों आपका। तो दोस्तों इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखो दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी से आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो मैं ये वीडियो को स्किप कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत समय लग रहा है। चलिए दोस्तों, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो कंप्यूटर से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। पहले मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि आपके आधार कार्ड पर कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है दोस्तों। तो सिंपल से इसके लिए आपको करना क्या होता है, आधार सर्विस यानी सेकेंड नंबर पर आपको ये ऑप्शन आता है, इसके लिए फिर दूसरे पर जाना होता है वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है दोस्तों। अगर नहीं है तो दोस्तों इसके नेक्स्ट में मैं आपको इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों कौन सा मोबाइल नंबर कैसे आपको लिंक करना है आधार कार्ड से दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है दोस्तों। मैं आधार कार्ड नंबर आपको दिखाना नहीं चाहूंगा, इस वजह से मैं यहां पर वीडियो को स्किप कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिया और मोबाइल नंबर भी डाल दिया दोस्तों। तो सिंपल से मैं यहां पर कैप्चा भी डाल दूंगा दोस्तों, कैप्चा जो नीचे आ रहा है यहां पर कैप्चा भी डाल दूंगा दोस्तों, इस्तेमाल है सारा कुछ। ये डालने के बाद सेंड ओटीपी क्लिक करना होता है दोस्तों। सॉरी, मेरा आधार कार्ड नंबर थोड़ा गलत हो गया। अब मैं जैसे ही कैप्चा फिर मैं डालूंगा, और डालने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है वो दोस्तों बहुत ही राइट है और सही है दोस्तों। यानी मेरा जो मोबाइल नंबर है बिल्कुल राइट है और सही है दोस्तों। इसके लिए फिर मैं आपको दूसरा सिस्टम दिखा देता हूँ, दूसरा मोबाइल नंबर डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों, वहाँ पर आपको क्या बताएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर जिस जो आपने ऑर्डर रिप्रिंट आधार करते समय दिया होगा दोस्तों, तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। और डालने के बाद दोस्तों जो आपको मतलब लग रहा है कि मैंने ये आधार कार्ड नंबर अपना आधार कार्ड बनवाते समय दिया है दोस्तों, वो आप डालकर यहाँ पर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर ऐड है दोस्तों। अगर नहीं है तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों दूसरा मोबाइल नंबर डाल के क्या बताता है दोस्तों। जैसे ही मैं बैक कर लेता हूँ, और बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से वेरीफाई के सिस्टम पर चला जाऊँगा, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इस मोबाइल नंबर को हटाने के बाद दूसरा मोबाइल नंबर डालूंगा दोस्तों। ठीक है ना, तो दूसरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और दूसरा मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से मैं आधार कार्ड नंबर ऊपर डाल देता हूँ। फिर से दोस्तों यहाँ पर मुझे कैप्चा डालना होगा दोस्तों, मैं कैप्चा डाल देता हूँ, और कैप्चा डालने के बाद फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोस्तों क्या बताएगा। फिर से सेंड ओटीपी क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने जो इंटरफेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर डड नॉट मैच दोस्तों। यहाँ पर आधार कार्ड से आपका जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है दोस्तों, यहाँ पर ये बताएगा कि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ आप समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कैसे करना है दोस्तों। इस वीडियो को फुल कंप्लीट एंड ध्यान से देखती रहिए दोस्तों, आपको 100% मोबाइल नंबर लिंक होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि आपको अपना आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक कैसे कराना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक या मेल आईडी लिंक करवाने के लिए सर्विस सेंटर आधार कार्ड की जाना ही जाना होगा दोस्तों। ऑनलाइन कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि आप घर बैठे करा सकें दोस्तों। तो दोस्तों मुझे मैं ये चाहता था, मुझे बताना था कि आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।